दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को महान बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ बेंगलुरु की टीम को मिली हार के बाद आईपीएल के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल को हार का जिम्मेदार बताते हुए किया सभी को हैरान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान और बेंगलुरु के बीच खेले गए रोमांचक मैच में बेंगलुरु की टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद आईपीएल के दिग्गजों का बयान सामने आया। इस बीच क्रिस गेल, सुरेश रैना से लेकर लसिथ मलिंगा, गौतम गंभीर ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार राजस्थान के जीत के बाद आईपीएल के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राजस्थान की टीम को बेंगलुरु के खिलाफ इस मैच में किस खिलाड़ी के दम पर जीत मिली है, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बेंगलुरु की टीम को राजस्थान के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में बेंगलुरु की टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाए थे, और इसका पीछा करते हुए राजस्थान की टीम 19 ओवर में मैच को 4 विकेट से जीत गई। जहां पर इस मैच में रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए और उसके बाद मैन ऑफ द मैच बने और बेंगलुरु की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिसके बाद आईपीएल के तमाम दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बड़ा बयान दिया, जिसमें सुरेश रैना ने बयान देते हुए कहा कि राजस्थान की टीम को इस मैच के अंदर शानदार जीत मिल गई है। राजस्थान की टीम की तरफ से इस मैच में सभी बल्लेबाज और सभी गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। राजस्थान की टीम के लिए जिस तरीके से इस मैच में सभी बल्लेबाज और गेंदबाज मिलकर अपनी टीम को जीत दिलाने का काम कर रहे थे, वो उन्होंने पूरा किया। तो दूसरी तरफ से बेंगलुरु की टीम के लिए विराट कोहली ने पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, बाकी खिलाड़ियों ने भी आज बेंगलुरु की टीम को जीत दिलाने का प्रयास किया, लेकिन बेंगलुरु की टीम इस मैच में खराब प्रदर्शन के कारण इस मैच को हार गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की टीम को अगले साल काफी ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। तो वहीं क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि आरसीबी की टीम का लगातार खराब प्रदर्शन देखने को इस सीजन में शुरू में मिला था, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से बेंगलुरु की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए वापसी की, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश था। लेकिन एक बार फिर से बेंगलुरु की टीम बड़े मैच में खराब प्रदर्शन करने के कारण दिक्कतों का सामना करती दिखाई दी और मैच को हार गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की टीम के लिए इस मैच में एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है। आज के दिन मैक्सवेल के साथ विराट कोहली ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। मुझे उम्मीद थी कि आरसीबी की टीम अगली बार अच्छा प्रदर्शन कर चैंपियन बनने का काम करेगी। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि बेंगलुरु की टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। हालांकि इस साल जिस तरीके से बेंगलुरु की टीम ने शुरू में खराब प्रदर्शन किया और इसके बाद अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया, वो वास्तव में काबिले तारीफ है, लेकिन एक बार फिर से बड़े मैच में बेंगलुरु की टीम ढेर हो गई और बेंगलुरु की टीम टूर्नामेंट के बाहर होना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि बेंगलुरु की टीम ने जिस तरीके से इस मैच में खराब प्रदर्शन किया है, वो बताता है कि बेंगलुरु की टीम के लिए खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है और एक या दो खिलाड़ियों के अच्छा प्रदर्शन से बेंगलुरु की टीम जीत दर्ज नहीं कर पाएगी और ऐसे में अगले साल बेंगलुरु को काफी ज्यादा बदलाव करना ही पड़ेगा। तो वहीं लसिथ मलिंगा ने बयान देते हुए कहा कि बेंगलुरु की टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन एक बार फिर से बेंगलुरु की टीम के खिलाड़ियों ने बड़े मैच में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके कारण बेंगलुरु की टीम मैच को हार गई। और इस मैच में बेंगलुरु की टीम के लिए एक बार फिर से विराट कोहली ने तो खराब प्रदर्शन किया और टीम को आगे ले जाने का काम नहीं किया, तो दूसरी तरफ से मैक्सवेल ने भी इस साल काफी ज्यादा सभी को निराश किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की टीम के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने जिस तरीके से प्रदर्शन पिछले साल किया था, उस तरीके का प्रदर्शन इस साल उनका देखने को नहीं मिला और इसी के कारण बेंगलुरु की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में राजस्थान की टीम के जीत के असली हीरो कौन रहे, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। दोस्तों, आईपीएल से संन्यास के बाद रो पड़े दिनेश कार्तिक, विराट कोहली को लेकर कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे तंग। जी हां दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ बेंगलुरु की टीम को मिली हार के बाद दिनेश कार्तिक ने संन्यास ले लिया और इसके बाद दिनेश कार्तिक रो पड़े हैं। इस बीच दिनेश कार्तिक ने हार के बाद संन्यास लेने के साथ विराट कोहली को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आप भी उन्हें सलाम ठोकने वाले हैं। तो आखिर संन्यास लेने के बाद दिनेश कार्तिक ने क्या कहा है, तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, दिनेश कार्तिक और विराट कोहली में कौन है महान खिलाड़ी, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मैच में बेंगलुरु की टीम का सामना राजस्थान से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हुआ, जहां पर इस मैच में बेंगलुरु की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए
172 रन 8 विकेट नुकसान पर बनाए और इसका पीछा कर राजस्थान की टीम ने आसानी से इस लक्ष्य को 19 ओवर में 4 विकेट से अपने नाम कर लिया और इसके बाद बेंगलुरु की टीम आईपीएल से बाहर हो गई। इस बीच बेंगलुरु की टीम के महान बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भी आईपीएल से संन्यास ले लिया और पहले ही बता दिया कि आईपीएल 2024 उनका अंतिम आईपीएल रहने वाला है, जिसके बाद में कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में अब संन्यास लेने के तुरंत बाद दिनेश कार्तिक का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल दिनेश कार्तिक ने बयान देते हुए कहा कि राजस्थान की टीम के खिलाफ बेंगलुरु को इस मैच में मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि इस मैच के अंदर हमारी टीम ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी टीम इस मैच को जीतने में असमर्थ रही है। हालांकि इस मैच में राजस्थान की टीम ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है, लेकिन राजस्थान की टीम ने आज के दिन बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को बता दिया कि राजस्थान की टीम एक मजबूत टीम है। हालांकि इस मैच में बेंगलुरु की टीम की हार के बाद अब बेंगलुरु की टीम का सफर भी समाप्त हो चुका है और इसी के साथ अब बेंगलुरु की टीम के लिए मेरा भी सफर समाप्त हो चुका है। बेंगलुरु की टीम के लिए जिस प्रकार से सभी खिलाड़ियों ने इस साल बेहतर प्रदर्शन किया और बेंगलुरु की टीम को मजबूती दिलाने का काम किया, उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अब मैं संन्यास लेने के साथ बेंगलुरु की टीम को आगे भी सपोर्ट करूंगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि आईपीएल के अंदर मैं कई टीमों के साथ खेला हूं और कुछ टीमों का प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिला है, वहीं कुछ टीम के लिए मैंने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन भी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बेंगलुरु की टीम के लिए मैंने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है और सभी को बताया है कि बेंगलुरु की टीम के पास में किस तरीके के बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं। हालांकि अब मैं संन्यास ले चुका हूं और मैं जिस प्रकार से आईपीएल के अंदर सभी को प्रभावित किया उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि विराट कोहली के सपोर्ट के बिना मेरा बेहतर प्रदर्शन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने पिछले 3 साल के अंदर जिस प्रकार से बेंगलुरु की टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाने की कोशिश की है उसमें विराट कोहली का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि विराट कोहली ने मुझे खोलकर खेलने की आजादी दे दी, जो कि काफी बेहतर पल भी रहा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में बेंगलुरु की टीम की हार का मुख्य कारण क्या रहा, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है राजस्थान और बेंगलुरु के बीच एलिमिनेटर मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में बेंगलुरु की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आज 20 ओवर के अंदर 172 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए। वहीं इसका पीछा करते हुए राजस्थान की टीम ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए पावर प्ले के अंदर 47 रन 1 विकेट खोकर बना दिए और इसके बाद राजस्थान की टीम ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बेंगलुरु की टीम को दबाव में डाला और मैच को अपने नाम किया, जिसके बाद बेंगलुरु की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। जिसे देखकर अब दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि बेंगलुरु की टीम को इस मैच के अंदर मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे लगता है कि आज बेंगलुरु की टीम को बेहतर प्रदर्शन के जरिए जीत मिल सकती है, लेकिन बेंगलुरु की टीम के खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन करके दिखाया है। उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि वे बड़े मैच में हमेशा खराब प्रदर्शन करने वाली टीम है और आगे भी शायद ऐसा ही प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, बेंगलुरु की टीम से मुझे काफी ज्यादा उम्मीद थी कि वह इस मैच में बड़ा योगदान देकर टीम को जीत दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन आज बेंगलुरु की टीम के गेंदबाज और बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन करते हुए टीम को हार का सामना करवाया है। वहीं रिकी पोंटिंग ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में बेंगलुरु की टीम ने बिल्कुल भी बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, मुझे उम्मीद थी कि इस मैच के अंदर बेंगलुरु की टीम एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करते हुए पिछले कुछ मैच में हुए लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के अंदाज में जहां पर भी टीम को जीत दिलाने का काम कर सकती है, लेकिन यहां पर बेंगलुरु की टीम के खिलाड़ियों ने कुछ खास कमाल नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि राजस्थान की टीम ने एक बार फिर से बड़े मैच में अपना अनुभव दिखाते हुए बता दिया कि बेंगलुरु की टीम को हराना उनके लिए काफी ज्यादा आसान काम होता है, जो आज भी देखने को मिल गया। ऐसे में आज बेंगलुरु की टीम की हार का मुख्य कारण खराब गेंदबाजी और खराब बल्लेबाजी रही है। वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि बेंगलुरु की टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं। हालांकि जिस प्रकार से बेंगलुरु की टीम के खिलाड़ियों ने अभी तक बेहतर प्रदर्शन किया था, उस तरीके का बेहतर प्रदर्शन इस मैच के अंदर देखने को नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि बेंगलुरु की टीम जिस प्रकार से खेल रही है मैच को, अगर उसी तरीके से मैच भी आगे खेलती तो शायद बेंगलुरु की टीम एलिमिनेटर मैच को जीतकर क्वालिफाइड 2 में अपनी जगह बना लेती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, इस मैच में बेंगलुरु की टीम ने राजस्थान के ऊपर चढ़कर नहीं खेला, बल्कि बेंगलुरु की टीम काफी ज्यादा बैकफुट पर आकर मैच को खेल रही थी, जिसके कारण बेंगलुरु की टीम इस मैच को हार गई। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि बेंगलुरु की टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है, लेकिन जिस प्रकार से बेंगलुरु की टीम के खिलाड़ियों ने अभी तक पिछले कुछ मैच में बेहतर प्रदर्शन किया था, उस तरीके का बेहतर प्रदर्शन इस मैच में देखने को नहीं मिला, जिसके कारण आज बेंगलुरु की टीम को हार का सामना भी करना पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, बेंगलुरु की टीम के लिए इस मैच में सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए और मुझे उम्मीद थी कि बेंगलुरु की टीम इस मैच में बेहतर बल्लेबाजी और गेंदबाजी करेगी, लेकिन बेंगलुरु की टीम इस मैच के अंदर बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाई, जिसके कारण राजस्थान की टीम को इस मैच के अंदर जीत दर्ज करने का मौका मिला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में बेंगलुरु की टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो का था और इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी विराट कोहली और कप्तान डुप्लेसिस आए। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और पहले ओवर में बेंगलुरु की टीम ने केवल 2 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा और इस बार इनका स्वागत विराट कोहली ने अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए शानदार चौका जड़कर किया।
वहीं संदीप शर्मा की चौथी गेंद पर डुप्लेसिस ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। दो ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 14 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से टेंट बोल्ट बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इनके ओवर में रन बनाना बेंगलुरु के बल्लेबाजों को काफी मुश्किल हो रहा था और एक एक रन के लिए तरस रहे थे। इस ओवर में बोल्ट ने केवल 3 रन दिए और बेंगलुरु की टीम का स्कोर 3 ओवर में केवल 17 रन बन पाया। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने विकेट की तलाश में चौथा ओवर फेंकने के लिए गेंद अपने खतरनाक गेंदबाज आवेश खान को थमाई।